30 मार्च वर्ष 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ। इसके गठन की औपचारिक घोषणा हालांकि सरदार पटेल ने 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में कर दी थी। इससे पहले राजस्थान राजपुताना के नाम से जाना जाता था और कुल 22 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर यह राज्य बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। जिन रियासतों का विलय किया गया था वे सभी राजपूत, गुज्जर, मौर्य और जाट राजाओं के अधीन थे। इन मुख्य रियासतों में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें मुख्य थीं। मुगलों, खिलजियों समेत कई बाहरी आक्रांताओं से लोहा लेने में यह क्षेत्र हमेशा अग्रणी रहा। आज के दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस राज्य के गठन की प्रक्रिया 1949 से शुरू हुई और 1956 में 7 चरणों के साथ पूरी हुई। 30 मार्च वर्ष 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आमतौर पर कोई भी राज्य पहले से ही उस देश का हिस्सा होता है, या फिर उस राज्य को युद्ध में जीत कर या फिर उस पर कब्जा करके उसे देश का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन अलास्का एक ऐसा राज्य है जिसे अमेरिका द्वारा रूस से लगभग 45 करोड़ रुपए में खरीदा गया। रूस के साथ संधि पर राज्य सचिव विलियम सीवार्ड और रूसी मंत्री एडॉर्ड डी स्टोकेल ने हस्ताक्षर किए थे। अलास्का को खरीदने के सौदे को आलोचकों ने सीवार्ड की मूर्खता या सीवार्ड का आइस बॉक्स भी कहा। वर्तमान में अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रकार अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना। अलास्का शब्द का मतलब होता है मुख्य भूमि या महान भूमि।